फ्रॉम बद्रीनाथ। इतना ब्राइट सनी मॉर्निंग है यहाँ पे, पूरा धूप निकल आई है, तो सतोपन जाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपका एक बार नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का। स्नो वेरी ब्राइट, कितना मौसम खुल गया। देखो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कल हैवी रेनफॉल है, वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट है, आज पूरा मौसम खिल गया, तो सतोपन के लिए तो बेस्ट है। एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप बद्रीनाथ आते हैं तो एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, वो आप कर लीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ऑनलाइन रजिस्टर नहीं होगा तो वो लंबी क्यू में आपको दर्शन के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है कपूर आरती या फिर चांदी आरती फिर अष्टोतरी, तो ऑनलाइन उसकी सुविधा है, वो अगर वो ऑनलाइन करके आते हैं ना तो इमिडिएटली दर्शन भी हो जाएंगे वही टाइम पे, जो निर्धारित टाइम आपने सिलेक्ट किया है स्लॉट, वो टाइम पे आपको बगैर भीड़ में खड़े रहे एकदम शांति से दर्शन हो पाएंगे। आप अगर ये लाइन और क्यूज अवॉइड करना चाहते हो तो एक ये बेटर ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप मई और जून में आते हैं, मई जून में काफ़ी बारिश तो नहीं होगी, बट जो ग्लेशियर्स आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे, और ठंड भी उस टाइम पे ज़्यादा रहेगी, तो स्वेटर्स वगैरह ज़्यादा रखिए। ये मानसून का सीज़न है, तो मानसून में आपको पोंचो या रेनकोट हमेशा कैरी करते रहिए, क्योंकि यहाँ अनप्रिडिक्टेबल वेदर है। और बस यही है, आज सतोपन जा रहा है, 5 दिन का ट्रिक है, 3 दिन जाने में, 2 दिन रिटर्न में। हमारा प्लान ये है कि एकादशी के दिन वहाँ पहुँचे और सतोपन लेक में हम स्नान करें, क्योंकि उसका 11 के दिन, एकादशी के दिन वहाँ पे स्नान करने का महत्व बहुत अलग होता है। तो यही प्लान है, आज कुछ 200 लोगों का ग्रुप जा रहा है, हम भी उनके ग्रुप में, लाइक ग्रुप में नहीं है बट वी आर इंडिविजुअल, बट साथ में ही चलेंगे। देखते हैं, वहाँ का भी मैं आपको पूरा डिटेल वगैरह और शेयर करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जय बद्री विशाल। फाइनली वी हैव स्टार्टेड, 11 बजे हमने स्टार्ट किया है सतोपन जाने के लिए। वेदर तो बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज फर्स्ट डे का मेरा जो पड़ाव है वो शायद लक्ष्मी वन में है। ग्रुप में टोटल 14 लोग हैं, हम 6 और दूसरे और लोग हैं। जय बद्री विशाल। आज जो मेरा टूर ऑपरेटर है ये सोमेश भाई है, सोमेश भाई के साथ हम जाएंगे आज। हमारा पहला पड़ाव कहाँ रहेगा सोमेश भाई? लक्ष्मी वन में पड़ाव रहेगा, तो पूरे टूर में उनके साथ ही हम चलेंगे और उनका विस्तृत वर्णन में आपको सतोपन पहुंच के दूंगा। जय बद्री विशाल। ये हमारा पहला पड़ाव है माता मूर्ति का मंदिर। ये नर नारायण देव की माता भी है। ये यात्रा का पहला पड़ाव है। नंदी का खलखल प्रवाह देखिए, कितना अद्भुत नजारा है। ऐसी पगडंडी वाला रास्ता है सीधा, पहले पुराना रास्ता वहां से था माना गांव से, अभी वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये जो ITBP के जो कैंप लगते हैं उसके बाजू में से एक पगडंडी रास्ता निकलता है, वो रास्ते से ये रास्ता आगे जाता है। खूबसूरत फूलों की वादियों के बीच से हम निकल रहे हैं, अति सुंदर। कुछ ग्रुप के लोग आगे हैं, मैं सबसे पीछे हूँ और भैया पीछे है।
ये सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप। वहाँ से चलते चलते आए, फिर ये चढ़ाई है, ये चढ़ाई करके फिर यहाँ से थोड़ा उतरेंगे, उतरने के बाद और फिर थोड़ा चढ़ाई। यहाँ से आनंद वन स्टार्ट हो रहा है, वो ऊपर आनंद वन पीक है, ये आनंद वन है पूरा। यहाँ से आगे वसुधारा, वसुधारा फिर लक्ष्मी वन, ये पूरा आनंद वन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा आनंद वन वहाँ ऊपर पीक है। जय बद्री विशाल। ये बोल्डर्स के अंदर से झरना बह रहा है, ये भी बोल्डर्स हम खतरनाक पार करके आए। देखो ये पानी बोल्डर्स के नीचे से जा रहा है, देखिए वो ऊपर तक चढ़ना है हमें। डे वन में खड़ाई चढ़ाई भी आती है, दो बार चढ़ के उतरना है, चढ़ के उतरना है। अभी वापस मुझे यहाँ ऊपर तक जाना है, वहाँ तक। अभी जब वहाँ से इतना ऊपर चढ़ के आया हूँ, जैसे अब बोल्डर क्रॉस करके, बोल्डर के नीचे से पानी बह रहा है, वहाँ सामने अलकनंदा और ये चोटिया पूरी बादलों से ढकी हुई, अद्भुत प्रतीत होता है यहाँ के, अद्भुत। आपको मैं प्रकृति मेरी आंखों से दिखा रहा हूँ आपको। अभी जो हम बैठे हैं जहाँ पे, वो आनंद वन है, आनंद वन पीक। यहाँ सब लोग रेस्ट करके खाना वाना खा के फिर हम आगे बढ़ेंगे। लैंडस्केपिंग देखो कितना बढ़िया है, सामने वो सुधारा। हेलो, मास्क निकालो भैया, कैसा रहा? जय बद्री विशाल, मेरे छोटे भाई हैं। अद्भुत नजारा है। आनंद वन के बाद सीधा सीधा चलना ही है, ऐसे रास्तों पे, ऐसे रास्तों पे। वो आनंद वन है, वहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं सब लोग, हमारे गाइड वगैरह सब वहाँ बैठे हैं, वो आनंद वन है। यहाँ से लक्ष्मी वन सीधा सीधा चलते ही जाना है, मैं दिखाता हूँ आपको, चलते ही जाना है। वो विशाल खड़ा है वहाँ पे,
वो वसुधारा। देखिए कुदरत, अमेजिंग। पौने 3 बजे, 11 बजे से स्टार्ट किया था हमने ट्रिक, 11 से 12, 1, 2, 3, 4 घंटे हो गए। अभी 1-1.5 घंटे का रास्ता और बचा है लक्ष्मी वन के लिए। कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ लोग पीछे आ रहे हैं। कभी ठंड बढ़ जाती है, कभी धूप निकलती है। वाकई में मैं तो मेरे यूट्यूबर्स को माध्यम से सभी मेरे चाहने वालों को वही बोलूँगा कि एक बार आइए, हमारी संस्कृति है ये, हमारी संस्कृति को देखिए। ये जो पूरा रास्ता है सतपन का, पांडवास स्वर्ग जाने के लिए यही रास्ता उन्होंने चुना था। द्रौपदी माता ने यहीं माना गांव में उनके देह त्याग कर दिए थे। आगे जाके फिर एक के बाद एक पांडवों ने, मैं एक के बाद एक बताऊंगा, जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा तब आपको बताऊंगा कि किसने कहाँ प्राण त्यागे थे। कितना अद्भुत नज़ारा है, ये खूबसूरत नज़ारा देख के मुझे एक बहुत अच्छा पुराना सॉन्ग याद आ रहा है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। अभी ये वाटर क्रॉसिंग करना है, देखते हैं इतना खतरनाक है। ऐसे पत्थरों पे चढ़ के जाना है वहाँ ऊपर तक। ऐसे पत्थर क्रॉस करते करते आ रहे हैं, और भी थोड़ी चढ़ाई है। फाइनली लक्ष्मी वन पहुँच गए, वो हमारा कैंप साइट है। और ये दिख रहे हैं ना भोजपत्र के पेड़ है। लक्ष्मी वन के अलावा आपको कहीं भी भोजपत्र के पेड़ देखने के लिए नहीं मिलेंगे। क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। अभी भी कैंप साइट पे पहुंचने के लिए मुझे 10-15 मिनट तो और लगेगा, क्योंकि काफ़ी चलना है अभी, आधा किलोमीटर जितना। और ये देखो भेड़ बकरिया। फाइनली जो हमारा लक्ष्मी इनका बेस कैंप है वहाँ पहुँच गया मैं। और लोग एक खूबसूरत, 5 बजे हम पहुँच गए थे लक्ष्मी वन।
बट बाहर इतनी ठंड है कि जाने का मन ही नहीं कर रहा है बाहर, तो जस्ट ठंड है। अभी खाना बना आएगा, खाना बना खा के सो जाएंगे। कल जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है 7 बजे। कल की ट्रिक बहुत हार्ड ट्रिक है, बहुत काफ़ी सारी चढ़ाई वगैरह करना है, तो जितना जल्दी खाना होके ख़त्म करके सो जाए तो इतना जल्दी थोड़ा रेस्ट मिलेगा। अदरवाइज वेदर इज़ टू कॉल्ड।